लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच के दौरान मैदान पर हुए विवाद के एक दिन बाद भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। तीखी नोकझोंक का खुलासा करते हुए गौतम गंभीर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। श्रीसंत ने बुधवार को एक वीडियो में कहा था कि गंभीर विवाद के दौरान बहुत असभ्य थे और वह लगातार फिक्सर कह रहे थे। श्रीसंत ने गुरुवार सुबह इंस्टाग्राम पर लाइव हुए और गंभीर पर एक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। केरल के तेज गेंदबाज ने यह भी कहा कि गंभीर ने 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग कांड का जिक्र करते हुए उन्हें फिक्सर कहा था। हालांकि श्रीसंत ने मैदान पर विवाद के बारे में अधिक जानकारी देने से परहेज किया, लेकिन गंभीर पर वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली जैसे अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। बता दें कि बुधवार को लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच के एलिमिनेटर मुकाबले में इंडिया कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच भिड़ंत हुई। इंडिया कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 12 रन से शिकस्त दी। इंडिया कैपिटल्स के कप्तान गौतम गंभीर ने कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक जड़ा। वहीं गुजरात जायंट्स की तरफ से क्रिस गेल ने तूफानी पारी खेलते हुए 84 रन बनाए थे। मैच के दौरान गंभीर और श्रीसंत के बीच नोकझोंक हुई थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर रिएक्शन का दौर चल पड़ा। श्रीसंत ने वीडियो जारी कर गौतम गंभीर पर आरोप लगाए। इसके गंभीर ने एक सांकेतिक पोस्ट कर श्रीसंत को करारा जवाब दिया था।